गुड मॉर्निंग क्लास 8, डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर नंबर 3, एल्गोरिथम्स एंड फ्लोचार्ट्स, टुडे डिस्कस ऑन चैप्टर नंबर 4, ग्राफिक्स इन क्यूब बेसिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इसके पहले आपने चैप्टर नंबर 3, एल्गोरिथम्स एंड फ्लोचार्ट्स पढ़ा, और एल्गोरिथम के क्या यूज़ होते हैं, फ्लोचार्ट्स के क्या यूज़ होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं फ्लोचार्ट्स के बोथ, तो आप लोगों ने पढ़ा, आपने क्लास को एंजॉय किया। देन डियर स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम्स एंड फ्लोचार्ट्स होते हैं वो प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए एक क्या है, बेसिक फंडामेंटल्स हैं, बेसिक थिंग्स हैं। जब हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो उन एल्गोरिथम्स एंड फ्लोचार्ट्स, उन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर अब हम लोग जो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, यानी ग्राफिक्स इन क्यूब बेसिक, दिस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी दैट मींस इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं। इसमें हम लोग, जैसा कि आपने एल्गोरिथम्स एंड फ्लोचार्ट्स में देखा कि छोटे दो नंबर्स को ऐड करने का, मल्टीप्लिकेशन करने का, डिवाइड करने का, आपने छोटे छोटे एल्गोरिथम्स और फ्लोचार्ट्स आपने बनाए। अब यहाँ पे आपको वो प्रोग्राम्स क्या होगा, ये दिस इज द प्लेटफॉर्म टू डेवलप अ प्रोग्राम। तो ग्राफिक्स इन क्यू बेसिक, यहाँ पर क्यू बेसिक में बेसिकली क्यू बेसिक जो है वो मैथमेटिकल प्रोग्राम्स के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज स्टैंड्स फॉर क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शन कोड, यानी इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में क्या आता है आपका, जैसे बाइनरी मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज आपके लो लैंग्वेज में आते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज में आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, ये जो लेटेस्ट लैंग्वेजेज हैं ये आपके किस में आते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेज में आते हैं। तो क्यू बेसिक आपका क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इट इज डेवलप्ड बाय जॉन जॉर्ज केमिनी एंड थॉमस यूजिन कुड्स, यानी ये क्यू बेसिक जो है दो साइंटिस्ट के द्वारा मिलकर के ज्वाइंट वेंचर में डेवलप किया गया, जिनका नाम था जॉन जॉर्ज केमिनी एंड थॉमस यूजिन कुड्स ने डेवलप किया। तो ये आपका क्यू बेसिक का एक इंट्रोडक्शन हुआ। अब इसके आगे हम लोग कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में देखेंगे कि आपके क्यू बेसिक के कुछ बेसिक कमांड्स जो आप लोग कमांड्स यूज करते हैं प्रोग्राम क्रिएट करते समय। यहाँ पर जैसे सबसे पहला जो आपका है वो है CLS, दैट मींस क्लियर स्क्रीन। इसका यूज क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, सपोज दैट कि आपने अपना क्यू बेसिक विंडो ओपन किया, उसमें कोई प्रोग्राम आपने लिखा और प्रोग्राम आपने इरेज नहीं किया, फिर आपको नीड आया कि हम दूसरा प्रोग्राम राइट करेंगे, लेकिन आपका जो पहला प्रोग्राम था वो अभी तक उस विंडो से इरेज नहीं हुआ है, डिलीट नहीं हुआ है, तो आपने अगर CLS कमांड का यूज़ नहीं किया, सपोज दैट CLS कमांड का यूज़ नहीं किया, तो आपका प्रोग्राम जो है वो एरर बताएगा। क्यों, क्योंकि दो प्रोग्राम उसमें मिक्सअप हो जाएंगे, पहले का प्रोग्राम उस भी पड़ा हुआ है और आपने नया प्रोग्राम भी राइट कर दिया। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, CLS यानी क्लियर स्क्रीन कमांड का यूज़ करते हैं, जिससे हमारी स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आपका जो है इनपुट, इनपुट कमांड क्या करता है, टेक डेटा फ्रॉम द यूज़र, यानी जब भी आप कोई भी डेटा देंगे, सपोज दैट आप प्रोग्राम बना रहे हैं दो नंबर्स को एंड करने का, तो आप कैसे लिखेंगे, इनपुट ए, फिर इनपुट बी, देन प्रिंट ए प्लस बी। दैट मींस आपने क्या किया, एक नंबर इनपुट किया ए, सपोज दैट आपने 10 एंटर किया, इनपुट बी यानी 12 एंटर किया, उसके बाद उसका आपने क्या किया, एडिशन प्रिंट करा लिया, यानी उसको ऐड करके प्रिंट करा लिया। तो दिस इज द, दिस कमांड इज यूज्ड फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। ओके, आफ्टर देन नेक्स्ट आपका जो कमांड है एंड, यानी जैसे कि इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि एंड का मतलब क्या होता है, यानी एंड का मतलब व्हाट, समाप्त, एंडिंग पॉइंट। ओके, इट टर्मिनेट्स अ प्रोग्राम, यानी ये प्रोग्राम को क्या कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। यानी जैसे मान लीजिए कि आपका जो प्रोग्राम है वो 3 लाइंस का है, आपने 3 लाइंस यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम है
खत्म हो रहा है तो आप यहां लास्ट में क्या लगाएंगे, एंड। इसका मतलब यह है कि यहां पे आपने एंड लगाया तो आपका प्रोग्राम जो है यहां से, दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ योर प्रोग्राम, तो यहां से आपका प्रोग्राम क्या हुआ, एंड हो गया। आफ्टर देन नेक्स्ट आपका जो है प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड का यूज क्या होता है कि जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्रिंट यानी दिस इज द यूज फॉर प्रिंटिंग, देन दिस कमांड इज यूज टू गेट आउटपुट, यानी जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हो उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो रिजल्ट होगा वो किसके द्वारा हमें मिलेगा, किसके द्वारा आउटपुट हमें मिलेगा, प्रिंट कमांड के द्वारा। यानी इस कमांड का यूज करके हम अपने प्रोग्राम का आउटपुट ले सकते हैं। तो आई होप ये कमांड्स आपको बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आया होगा, CLS का यूज क्या होता है, इनपुट क्या करता है, एंड क्या करता है और प्रिंट क्या करता है। इसके बाद हम कुछ आगे कमांड्स पे बढ़ेंगे और इन कमांड्स के बारे में आपको बताएंगे। आफ्टर देन हम लोग नेक्स्ट कमांड पे आगे आएंगे। नेक्स्ट आपका फिफ्थ है रैम कमांड, यानी REM। ये किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू राइट सम नोट्स इन अ प्रोग्राम। यानी ये जो रैम कमांड होता है आपके प्रोग्राम में नोट्स, यानी जैसे सपोज दैट आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन देने के लिए आप उसमें कुछ नोट्स देना चाहते हैं, यानी जैसे जो कुछ कमांड्स हैं उसके बारे में आप वहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो ये रैम कमांड के थ्रू वो हिडन हो जाता है और वो नोट्स दिखता नहीं है आपका। लेकिन जब आप उसका सोर्स कोड ओपन करते हैं यानी उसकी ओरिजिनल फाइल ओपन करते हैं तो वहाँ नोट्स में आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। तो रैम कमांड यूज होता है नोट्स के लिए कि आप कुछ इंपॉर्टेंट्स उसमें डिफिनीशन देना चाहते हैं, जो कमांड्स आपने लिखा है उसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो रैम कमांड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है लेट कमांड। लेट कमांड का यूज क्या होता है, इट इज यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। यानी ये क्यों यूज होता है, वैल्यू को असाइन करने के लिए। यानी सपोज दैट जैसे जब आप प्रोग्राम करते हैं तो यहाँ पे आप लोग वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। वेरिएबल जैसे सपोज अगर आपने यहाँ से शुरू किया तो आपने इंटीजर लिया, इंटीजर आपने ए लिया। अब ए में आपने वैल्यू दे दिया, जो इंटीजर था आपने वैल्यू फिक्स कर दिया 5, यानी इंटीजर ए इज इक्वल टू 5। अब ये 5 क्या होता है, यानी ये वैल्यू जो है इसमें क्या हो गया, असाइंड हो गया। असाइंड का मतलब ए की जो, जैसे आप सिर्फ ए देते तो इसका मतलब क्या था कि आप कोई वैल्यू आप कीबोर्ड से देंगे, लेकिन आपने क्या किया, प्रोग्राम करते समय ही इस वैल्यू को असाइन कर दिया। यानी ए जो वैल्यू है जहां पे आप यूज करेंगे उसका मतलब कि वहां उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। दिस इज द वैल्यू असाइन। तो यहां पे लेट कमांड क्यों यूज होता है, वैल्यू असाइन करने के लिए। तो ये आपको बेसिक कमांड आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग जानेंगे वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स के बारे में कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे भी हमने आपको यहाँ बताया ये क्या है, ये वेरिएबल यहाँ पे हम लोग डिसाइन कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्यों असाइन करते हैं, क्या इसका यूज होता है, ये हम देखेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स आर वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। दैट मीन्स क्या होता है, यानी कॉन्स्टेंट एक क्या होती है, फिक्स वैल्यूज होती हैं। यानी जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हों और उस दौरान हम लोग इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, दिस इज अ फिक्स वैल्यू। अब हम लोग यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, यानी जैसे कॉन्स्टेंट्स आपका है तो ये इसके क्या है, टाइप्स। ओके, तो यहां पे देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट एंड कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। तो ये दो टाइप्स इसके हुए, फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर। अब न्यूमेरिक जो होता है वो दो टाइप का होता है, कौन सा, एक होता है आपका इंटीजर कॉन्स्टेंट और दूसरा होता है आपका रियल कॉन्स्टेंट। ठीक है, कॉन्स्टेंट, रियल कॉन्स्टेंट्स। ओके, तो ये इंटीजर कॉन्स्टेंट्स होंगे, ये रियल कॉन्स्टेंट्स होंगे। अब सेकेंड जो आपका कैरेक्टर कॉन्स्टेंट होता है, ये भी दो टाइप्स का होता है, सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। यानी सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। ओके,
तो न्यूमेरिक कांस्टेंट यानी कांस्टेंट आपके दो टाइप्स के हुए, न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट आपका दो टाइप का होता है, इंटीजर कांस्टेंट एंड रियल कांस्टेंट। कैरेक्टर जो सेकंड टाइप है कांस्टेंट का, कैरेक्टर, इसमें सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट एंड सेकंड आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो ये हम लोग जो कांस्टेंट्स होता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं ये जब हम आपको प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कांस्टेंट का यूज कहाँ होता है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि न्यूमेरिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं, कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं, इंटीजर कांस्टेंट क्या होते हैं और किसको कैसे डिफाइन करते हैं, रियल कांस्टेंट्स क्या होते हैं इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, आफ्टर देन जो कैरेक्टर कांस्टेंट्स होते हैं, सेकंड कैरेक्टर कांस्टेंट्स को कैसे डिफाइन करते हैं, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, और स्ट्रिंग जो कांस्टेंट्स होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे डिफाइन होते हैं। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। देन डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड बी सेफ। ओके, थैंक यू।